ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश जी, बात करें इस मूवी के बारे में, क्या किरदार है आपका और किस तरह की मूवी है ये, बात करें। मैं जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है रोहित। बेसिकली एक यंग और बहुत ही स्मार्ट टॉकेटिव, जिसको कहते हैं टॉकेटिव टाइप का लड़का है, जो बात करने में बहुत ही उस्ताद, जिसको कहते हैं बात करने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही स्वीटली अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव टाइप से कैरेक्टर है, बट इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। जैसे ये किसी स्मॉल टाउन्स में जाता है बाहर, खास करके इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि ये पहाड़ी इलाकों में जाता है, पहाड़ी इलाकों में देखता है कुछ लड़कियों को, बातें करता है अपनी बातों से, उन लोगों को लुभाता है, उसके प्यार में लोग पड़ जाते हैं। तो कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इस कैरेक्टर में दो शेड हैं। एक तो इनोसेंसी भी है कि बातचीत जब भी ये करता है सामने वाले से, लगता है कि ओ गॉड, कितना मतलब हमदर्द है, कितनी लोगों की अंदरूनी चीज़ें समझता है। जब मैं सामने वाले को कन्विंस करता हूँ, बताता हूँ कि आप इसके बाहर भी आपकी दुनिया है, मुंबई आइए, आपकी जो भी फैमिली और प्रॉब्लम्स हैं वो मैं शॉर्ट आउट करूँगा, मैं आपको मुंबई में जॉब दिलवाऊँगा, तो मेरे कन्विंस करने का जो तरीका है उससे लोग इम्प्रेस्ड होते हैं। उन्हें लगता है कि सचमुच ये मुझे समझता है, मेरी जज्बातों को ये समझता है, बट जो इंटेंशन है, इंटेंशन इज़ नॉट गुड। सो ये बहुत ही ग्रे शेड टाइप से कैरेक्टर है, और स्पेशली मुझे बहुत ही मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करके। कितनी तैयारी की आपने किरदार के बारे में बात करें, जैसे कि आपके किरदार की जो मुझे याद है, जब मैं फर्स्ट मीटिंग के लिए गया था, प्रोड्यूसर मिस्टर अशोक कॉल जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा था, ब्रजेश तुम्हें किस टाइप का कैरेक्टर प्ले करना पसंद है? तो मुझे नहीं पता था तब, ना तो मुझे स्टोरी पता थी, और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो उसी टाइम मैंने सर से बोला था कि सर, मुझे हर तरीके का कैरेक्टर करना पसंद है, बट अगर ग्रे शेड का कैरेक्टर हो तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे ये फिल्म कैसे मिली। मुझे बाद में सर ने बताया कि आपकी वो एक लाइन आपके सिलेक्शन के लिए, मतलब आधी चीज़ें वो आपकी मदद कर गई। तो ग्रे शेड के कैरेक्टर को, मुझे लगता है हर प्ले तो मैं हर तरीके का कैरेक्टर कर सकता हूँ और करता हूँ ऑलरेडी, इस कैरेक्टर को तैयार करने के लिए मैंने, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा डीपली इमेजिन किया है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अक्सर सोसाइटीज़ में ये चीज़ें होते रहती हैं, हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हैं, बट एज एन एक्टर कहते हैं इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह तैयार रखनी होती है। तो जब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में सुना, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे डिफाइन किया, मेरे सामने डिस्क्राइब किया गया इस कैरेक्टर को, बिकॉज मैं कहूँगा डायरेक्टर इज़ रियली, मतलब सो ब्रिलियंट, जिस तरीके से वो लोग किरदार को उन्होंने समझाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इस कैरेक्टर को तैयार करने में। थैंक यू सो मच। जी शकील हाशमी। आप इस फिल्म से कैसे जा रहे हैं? जी बेसिकली इस फिल्म का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, फिल्म ऑल इंडिया रिलीज का प्लान मेरे ही हाथों में है। किस तरह की फिल्म है, अगर बात करें? फिल्म बहुत इंटेलेक्चुअल के ऊपर फिल्म बनाई हुई है, रियलिस्टिक लोकेशन है, रियलिस्टिक स्टोरी है, उसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। बेसिकली वुमेन ट्रैफिकिंग जो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो इस फिल्म का जो है मुद्दा है, वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर फिल्म है। इससे पहले भी चांदनी बार, सड़क, ट्रैफिक, सिगरेट, बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं, कितना मार्केट पे असर डाल पाएगी? देखिए, जितनी भी फिल्में आपने ली है, ये सारी फिल्में हिट फिल्में हैं, तो बेस लाइन वही है, लेकिन थॉट प्रोसेस थोड़े से अलग होते हैं, तो इस फिल्म को भी उस थॉट प्रोसेस पे लेके बनाया गया है। मार्केट में
मार्केट काफी टाइट है बिजनेस को लेकर, इस फिल्म की बात करें कहाँ पे रिलीज करने वाले? देखिए हमारा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसको ऑल इंडिया ही टारगेट कर रहे हैं, 500 से 600 स्क्रीन में टारगेट कर रहे हैं कि स्क्रीन इसको रिलीज करेंगे। देखिए बेसिकली स्टार कास्ट की बात करेंगे तो लास्ट पिछले साल से कोई भी बड़े स्टार कास्ट की सुपरहिट नहीं हुई, चाहे वो आप कोई भी फिल्म उठा के देख लें कि कोई भी फिल्म जो है हिट नहीं हुई है। बेसिकली सब्जेक्ट चलता है, आज का भी टाइम सब्जेक्ट का ही है, चाहे वो एयरलिफ्ट हो या वो निर्जा हो, तो बेसिकली रियलिस्टिक जो स्टोरी है, रियलिस्टिक जो सब्जेक्ट है उस पर ही फिल्में चल रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन स्टार कास्ट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ।